सी सेट पे बात करें, अब सी सेट पे बात करें तो मैं ऑनेस्टली आपको बता दूं, मैंने सी सेट के लिए कुछ भी नहीं पढ़ा था, ना तो कोई टेस्ट दिया था ना ही कुछ पढ़ा था, क्योंकि मैंने आपको बताया था एसएससी सेलेक्ट हुआ था मेरा, तो एसएससी का सिलेबस किसी को पता हो तो उसमें मैथ और इंग्लिश ही होते हैं, है ना। तो मैं क्या करता था, सिर्फ मैथ के 40 से क्वेश्चन करके आ जाता था दोनों में, इस बार वाले में और पिछली बार में 40-45 किए थे और छोड़ दिया था बाकी, मतलब कॉम्प्रिहेंशन पे गया ही नहीं मैं, है ना। तो मैं आपको 3-4 तरीके बता देता हूँ जो मैंने सोचे हुए हैं, फाइनल नहीं है ये भी, आप उसके बेस पे तैयारी कर सकते हैं। सी सेट के लिए क्या करना है कि मैथ के कुछ टॉपिक होते हैं, जैसे परसेंटेज हुआ, ये एवरग्रीन टॉपिक है, परसेंटेज है, एवरेज है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये 4-5 टॉपिक होते हैं, ठीक है। एवरेज लिख लो, आप लिख लो ये 4-5 टॉपिक, परसेंटेज का 100% लिखना है, परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रॉफिट एंड लॉस, ये लिंकिंग है, परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस एक जैसे ही है, एवरेज का, औसत का, उसके अलावा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट इतने जरूरी नहीं है, थोड़ा मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिश्रण वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो कई बार यूपीएससी पूछती है। और उसके अलावा रीजनिंग के कुछ टॉपिक, रीजनिंग ज्यादा आती है मैथ से ज्यादा, है ना। रीजनिंग के कुछ टॉपिक जैसे एबीसीडी तो आपको याद होनी चाहिए कम से कम, कि ए कौन से नंबर पे आता है, आई 9 नंबर पे आता है, बस थोड़ा याद कर लेना, इतनी तो मेहनत करनी बनती है। तो रीजनिंग के कुछ टॉपिक होते हैं ना, रीजनिंग में मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा क्योंकि, हाँ वो आप देख लेना, क्योंकि आप पेपर एनालिसिस तो करेंगे ना पिछले सालों के, वो तो करना ही है सारों में, चाहे प्रीलिम्स है, मेंस है, सी सेट है, तो रीजनिंग के जो टॉपिक है ना उन पे ज्यादा फोकस कर लेना, क्योंकि रीजनिंग ऐसा है कि जिसको मैथ्स नहीं भी आती है ना, कई लोग ऐसे होते हैं मैथ्स में बिल्कुल जीरो होते हैं, मैथ्स उनको समझ ही नहीं आती है, तो प्रैक्टिस करते हैं तो समझ आती है, लेकिन रीजनिंग में वो अच्छा कर देते हैं, क्योंकि रीजनिंग हम नॉर्मल स्किल से कर सकते हैं, तो रीजनिंग अच्छे से तैयार कर लो, और मैथ्स के जो मैंने टॉपिक बताए इनको अच्छे से तैयार कर लो, तो इनसे फ्रिक्वेंसी ज्यादा होती है आने की। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि संडे वाले दिन 2-3 घंटे निकालो, परसेंटेज के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे परसेंटेज पे मैं एसएससी में था तो लगभग 25 से 30 टाइप के क्वेश्चन होते थे, मतलब लगभग उन्हीं में से आ जाता था, यूपीएससी इतने हार्ड तो नहीं पूछेगी, पर 15 से 20 टाइप के क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए कि किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे एक इलेक्शन का क्वेश्चन होता है कि वो इतने वोट लेके इतने परसेंट से जीत गया, तो बताओ उसको कितने वोट मिले, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस में होता है कि उसको एक ने बी से 60% ज्यादा चीजें मिली, तो बी को ए से कितने परसेंट कम मिली, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, वो लिख लो और उनके छोटे छोटे फॉर्मूला तैयार कर लो और उनको याद ही कर लेना है, जरूर कॉन्सेप्ट आए तो ठीक है, नहीं तो याद कर लेना कि फॉर्मूला कैसे होते हैं, है ना। अपन को सी सेट निकालना है, अपन को मैथमेटिशियन या रामानुजन नहीं बनना है ना, तो ये काम करना है।